हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आशीषों को लेने का तरीका। जिस तरह एक राजाओं की पुस्तक अध्याय 3:4 आयत में लिखा है, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान के अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए इतनी प्यास थी कि जब वह परमेश्वर के भवन में होम बलि चढ़ाने के लिए जा रहा था, तो लिखा है कि वो अभी भवन में पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में जाते उसने 1000 होम बलियां चढ़ाई। और लिखा है कि जैसे ही उसने अपने दिल को खोला, तो रात को सपने में आकर परमेश्वर उससे पूछते हैं कि बता, तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान परमेश्वर से मांगता है कि मुझे इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करने का समझ दे, क्योंकि इज़राइल की प्रजा जितनी बड़ी है उतनी ही बड़े इनके मसले हैं। इसलिए वह परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है। परमेश्वर उसकी बात सुनकर कहते हैं कि तुमने ना तो धन दौलत मांगी है, ना दीर्घायु मांगी है, तुमने बुद्धि मांगी है, इसलिए अब मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा ही, पर अब मैं तुझे पैसा दीर्घायु भी दूंगा, बुद्धि इतनी दूंगा कि धरती पर तुझ जैसी बुद्धि कहीं नहीं होगी। आपने देखा कि परमेश्वर ने उसे इतनी सारी आशीषें दी, पर यह अपने आप नहीं हुआ। उसने अपने दिल को खोलकर बलियां चढ़ाई, परमेश्वर के भवन में बीज को बोया, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषों से भरपूर किया। बाइबल में लिखा है कि सुलेमान ने कहा कि मेरे पिता के समय वह लड़ाइयों में उलझा रहा, जब तक दुश्मन उसके अधीन ना हो गए। पर सुलेमान कहता है कि मेरे समय में कोई भी विपत्ति नहीं है। सुलेमान के परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी रखी थी कि जो उसके आसपास के 700 से 1000 देश थे, राज्य थे, घाटियां थी, और उसने हर एक राज्य की लड़की से शादी की थी। उसने इतनी शादियां की थी कि कोई भी राजा उससे लड़ने के लिए आगे नहीं जाता था। लिखा है कि आसमान से लेकर जमीन तक, सूर्य हो, चंद्रमा हो, घोड़े हो, मछलियां हो, हर बात की सुलेमान को समझ थी। अभी यह सब कुछ सुलेमान को ऐसे ही नहीं मिल गया था, उसको बोना आता था। इसलिए खुदा ने उसे ऐसी योजनाएं दी, उससे बातें की, उसको बुद्धि दी, पैसा कमाने की बुद्धि उसको दी थी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसके लिए बोते हैं, तो परमेश्वर आपका दिल, आपका मन, आपकी आंखें खोल देता है। वह आपको आपकी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में आशीष करेगा। आमेन, आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि जैसे सुलेमान ने आपके भवन में बोया और आशीषित हुआ, मैं भी वो के आशीषों को पाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करें।